आप देखें जो आम हाउस होल्ड है हमारे घर, मतलब लाइक नॉर्मली ना मासेस वगैरह में देखेंगे तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ क्या होता है ताया की बेटी के नंबर अच्छे आ गए, चाचा की बेटी की नहीं आए, कंपैरिजन हमेशा से, पहले जब वो बच्चे छोटे होते ये देखो माँ ज्यादा अच्छा खिलाती पिलाती, ये बच्चा मोटा है, मेरा बच्चा पतला है, कंपैरिजन नहीं करना, वहाँ से ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है और ये एंड तक उसका रिश्ता अच्छा आ गया है, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा नहीं आया, ये कंपैरिजन खत्म नहीं होता, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो एक घर हो, वो चलता रहता है, शायद इस वजह से हम लोग ऐसे हो गए। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ओके बट कंपैरिजन कभी कभी माएँ अनइंटेंशनल भी करती हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू किड्स तो कहती वो ये हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो देखो जल्दी से रेडी हो गया, जल्दी से होमवर्क कर लिया, उसने अपना खाना खत्म कर लिया, बट कभी भी कंपैरिजन का रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज इट टीचेस द चाइल्ड कि आई एम नॉट इनफ एंड द अदर पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी, बेसिकली अपने ऊपर, यू नॉट इनकरेजिंग, यू जस्ट डिस्करेजिंग। व्हेन यूर हेल्दी कॉम्पिटिशन वो होता है जो अल्लाह ताला ने डाला है हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर, वो हमारे में है, हमें बस वो एक पौधा लगा है, हमें उसको नर्चर करना है, नरिश करना है। और वो कैसे करना है ना, उसकी टिप्स देने के लिए आज का शो हमने डिज़ाइन किया है। बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा है या अगर आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, तो पता है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उसके गट से जाके मिलता है, यानी उसको आपने क्या खिलाया पिलाया। और ये बात शायद हमारी माएँ इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाती, इसीलिए हमने हिना अनीस को यहाँ दावत दी एज वो ज़ाहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो बताएंगी कि हमेशा कहा जाता था 7 बादाम खा लो तो वो आपकी मेमोरी अच्छी करते हैं, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपने कनेक्शन बनाई आज, बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं इस बात से थोड़ा सा कर दूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सेकेंड गट कहा जाता है और इसी तरह गट को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, ये बहुत कोर रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे का ना। मेरे अपने भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और बात बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहिबा ने भी अभी कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं खुद कभी कभार गलती से जब कंपैरिजन करती हूँ तो उसी वक्त मुझे एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि नहीं, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है, उसकी अपनी अपनी जगह है, मेंटल कैपेसिटी, उसकी स्टडी कैपेसिटी, उसका बिहेवियर सब चेंज है, एक्सेप्ट करना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगी आप तीनों से, अगर आप मुझे मशवरा दें, अगर जैसे आपके 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे, आपके 2 हैं, इनके 2 हैं, हम खुद उनकी पर्सनालिटी को पहचानने के बाद हम कैसे रवैये बैलेंस में रखें? नहीं, कभी कभार माओं को समझ आती, हो सकता है हमें आ गई हो क्योंकि हम बाहर उठती बैठती भी हैं, हमने दुनिया भी देखी, लेकिन जो आम घर में रहने वाली औरत है वो नहीं समझ पाती कि मैं अपने बच्चों में इंसाफ कैसे करूँ। मेरा ख्याल से पहले आप करें, मेरा ख्याल से तो एक माँ ही है जो अपनी औलाद को समझती है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि आई थिंक एक फैमिली में जो एक मेंबर है वो सिर्फ माँ है जो अपने हर बच्चे को समझती है। अब अगर मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहूँ तीनों बच्चे मेरी तरह हों, ये गलत है। एक माँ से होते हैं बट तीनों डिफरेंट हैं, तीनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है। तो मुझे मेरी कोशिश यही होती है कि ज़ाहिर अब एक डायरेक्ट बच्चे को मैंने बड़ा किया है तो मुझे पता है कि वो कैसा है, वो कैसा है और वो कैसा है, तो उस हिसाब से ही मैं उसको डील करती हूँ। एट टाइम्स बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पर्सनैलिटी भी हम ही बना रहे होते हैं, बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि उनको उनके हिसाब से ही डील किया जाए। तो वही आप वाली बात है कि कंपैरिजन नहीं है और हमेशा पॉजिटिविटी, और मेरा ख्याल से घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ये जो मुझे समझ आती है बात। आप चाहे बच्चे को गोल्ड के बिस्किट खिला दें, अगर आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना तो आपकी हर चीज़ जीरो। अच्छा, घर के एनवायरनमेंट की थोड़ी सी मिसाल दें, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए हमें बच्चे को क्या चीज़ फराहम करनी चाहिए? मैं आपसे सबसे पहले तो ये कि आप जो चीज़ अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो आपने बनना है। ये नहीं हो सकता मैं ऊंचा बोल रही हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा पोलाइटली बात करे, मेरी ज़िंदगी में काइंडनेस का कोई रोल नहीं है विद माय हेल्पर्स, विद माय ड्राइवर, विद एनीबॉडी, बट आई एक्सपेक्ट माय चाइल्ड टू बिहेव काइंडली विद एवरीवन। सो ये क्या है, कॉल और फेल का तजाद है। दूसरी बात, जो आपका सवाल था मैं उसको भी आंसर करना चाहूँगी कि आपने कहा कि माँ बैलेंस कैसे करे, इक्वल कैसे करे। सो द आंसर इज़ देर इज़ नो नीड टू बैलेंस, देर इज़ नो नीड टू गिव देम इन इक्वल अमाउंट्स, बिकॉज बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है इक्वल। अगर आपका बच्चा 1-8 साल का, 1-5 साल का है, तो उनको इक्वल की ज़रूरत नहीं है, उनको ये है यूनिकली मोहब्बत करें,
आठ साल के बच्चे को उसकी स्पेशल बातों के लिए मोहब्बत करें और पाँच साल की बच्ची को उसकी स्पेशल बातों के लिए। यानी कभी कभार माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि मैं बराबरी कैसे करूं। बराबरी करने की जरूरत छोटे नहीं, जब बड़े भी हो जाते हैं ना तो तब भी वो उनको थोड़ा सा ताना सहना पड़ता है, अच्छा आप तो उसी को करती रहती हैं। तो इसका जवाब हमने जब देखे निदा, अपने पेरेंट्स से कभी पूछा आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे नहीं करती, तो क्या हमें ये जवाब सुनना था कि नहीं मैं सबसे इक्वल प्यार करती हूँ? मुझे ये सुनना था कि आप मुझसे क्यों प्यार करती हैं, तो मुझे वो रीजंस बताएं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त एक्सप्रेस करते हैं, आप इतने काइंड हैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आप इतने पोलाइट हैं अपनी बहन के साथ, तो और रीजंस वो दें जो फिज़िकल अपेयरेंस ना हो। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि प्रेज़ बहुत तरीके से करनी होती है, उस चीज़ पर प्रेज़ ना करें कि ओ यू सो प्रिटी यूर अ गर्ल, सो द चाइल्ड एंड्स अप अटैचिंग देयर वर्थ इन देयर अपेयरेंस, या ग्रेड्स में डाल देगा कि ग्रेड्स अच्छे हैं तो सेल्फ इस्टीम हाई है, ग्रेड्स लो हैं तो सेल्फ इस्टीम डिस्टर्ब्ड है। तो सही रीजंस के लिए प्रेस करें और अप्रोप्रिएट अमाउंट, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की ज्यादा, जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि अगर आप उनकी प्यास किसी भी चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कंफर्ट हो या वो प्यार हो, जब आप उनकी प्यास बुझा देंगे फिर वो नहीं आती। तो उनको जब प्यास ही नहीं होगी वो कैसे हार्ड वर्क करें। एंड द वन थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स टुडे कि आप अपने बच्चों के रास्ते के सारे कांटे नहीं चुन सकते। कब तक चुन सकते हैं? तो हमारा गोल पेरेंटिंग का ये होना चाहिए कि हम उनको सिखाएं, उनको इक्विप करें कि वो खुद अपने मसाइल को कैसे हल करें, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें। हमारे यहाँ एक पेरेंटिंग का ये तरीका है कि ओवर फैसिलिटेटिंग, ओवर प्रोवाइडिंग, एलिमिनेटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ओवर प्रेजिंग, उसमें भी ये होता है कि फिर बच्चा सीखेगा ही नहीं। उसको सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उसको छोटे छोटे एज अप्रोप्रिएट मसले हल करने दें। अगर लेसेस नहीं टाई हो रही तो स्ट्रगल करने दें, दो मिनट स्ट्रगल करने दें, फौरन जंप इन करके नहीं आओ मैं तुम्हारी लेसेस टाई कर दूँ, नहीं, फिर वो सीखेगा नहीं ना, उसको टैकल करना नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जितने पेरेंट्स हैं ना उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ना नो सुनने की आदत डालें। बिल्कुल, हमारा मसला ये होता है कि हमारे बच्चे ने कहा हमें मामा वो चाहिए, अच्छा बेटा ठीक है, मतलब कुछ हमारे यहाँ लाइक मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं अफोर्ड करते, लेकिन वो बेचारे इस गिल्ट में रहेंगे, हाय हमारे बच्चे ने पूछ लिया, हमारे बच्चे ने कह दिया, अब हमें कुछ भी करके पेट काट के, नहीं, आप बच्चों को बोलें नो नहीं है, अफोर्ड नहीं करते, बच्चों को नो सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब आप हर दफ़ा में यस यस तो बच्चे इतने पुख्ता हो जाते हैं, तो अब जब आप नो बोलते हैं तो वो इतना उनका मुँह बन जाता है कि कैसे आपने नो कैसे कह दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप अपने अपनी कंफर्ट पहले देखें, बच्चों की बाद में देखें। और फादर्स का ये एक पेट जुमला है हमारे यहाँ कि मैं कमाता किसके लिए हूँ, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। आप अगर कमाते हैं, आपके जितने भी लाख तनख्वाह है, आपने ये देखना है कि अगर मेरा बच्चा PS5 मांग रहा है क्या उसे इसकी ज़रूरत है, नॉट जस्ट कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी हमारा क्राइटेरिया क्या है, बच्चा कुछ भी मांग रहा है मैंने दिलाना है या नहीं दिलाना वो किस पे बेस करता है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। वी डोंट इवन एनालाइज क्या उसको इसकी ज़रूरत है, क्या ये उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या इससे वो कुछ सीखेगा। पिछले दो साल से मैंने अपने घर में बैन लगाया हुआ नो मोर टॉयज, बिकॉज और मैंने उनको ये नहीं सिखाया कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते या यू नो कुछ मसला है, मैं बस उनको ये कहती हूँ वी डोंट नीड मोर टॉयज, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत, नीड और वॉन्ट सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डोंट नीड दिस, यू वॉन्ट दिस टॉय।